राधा स्वामी सत्संगियों के सबसे बड़े त्यौहार को मनाने के लिए दयालबाग तैयारियों पर जोरों पर है। जहां बसंत पंचमी की खूबसूरत छटा दयालबाग में देखने को मिली। राधा स्वामी सत्संगियों द्वारा बसंत पंचमी के मौके पर सत्संग आयोजन भी किया जाता है, जिसमें देश और विदेश से सत्संग सुनने के लिए सत्संगी बसंत पंचमी के मौके पर आते हैं। इतना ही नहीं, बसंत पंचमी का त्यौहार दयालबाग में बीते कई सालों से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। स्थापना आज से सन 1861 में हजूरी धनी महाराज जी ने एक कुएं के समक्ष सहतूत का पेड़ लगाकर की थी। इसी के उपलक्ष्य पर बसंत पंचमी का त्यौहार दयालबाग में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। नाम है, नाम बता दीजिए। नाम मेरा शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव है। शैलेंद्र जी, बसंत की तैयारियां कब से शुरू हो चुकी हैं यहाँ पर और किस तरीके से मनाया जाता है, दयालबाग की बात की जाए तो? हम लोग की बसंत की तैयारी जो है वो बसंत के 5-6 दिन पहले शुरू होती है और हम लोग बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं। हम लोग मतलब अपने स्टिकर्स लगाकर अपने घर सजावट अच्छी तरह से करते हैं और जितने भी आप बैनर्स और पोस्टर्स देख रही हैं सब हम लोग ने ही बनाए हैं। और ये जो आप देखेंगे तो यहाँ पर जो गेट है वो भी हम लोग ने ही बनाया है। और हर मोहल्ले के लोग जो हैं वो मोहल्ले के लोग इकट्ठा होकर वो मतलब वो अपने आप में बसंत को अपने तरीके से बनाते हैं। ये लोग हर मोहल्ले में जाएंगे तो अलग सजावट मिलेगी और हर मोहल्ले की अलग अलग सजावट होती हैं। तो हम लोग का बसंत का प्रोग्राम मतलब फिर बसंत के दिन हम लोग सब लोग इकट्ठा होकर और हम लोग राधा स्वामी करके फिर हम लोग अपना बसंत का प्रोग्राम शुरू करते हैं। कितनी कॉलोनियों में इस तरह की सजावट की है? 6 कॉलोनियां हैं यहाँ पर और उसके अलावा 3 कॉलोनियां और हैं। वो दयालबाग में मतलब टोटल 6 कॉलोनियां होती हैं और 3 कॉलोनियां और हैं हम लोग की, तो उधर पर भी मतलब सजावट इसी तरह की जाती है। और जो बाजारों में भी ऐसी होता है और जो हम लोग हैं शिक्षा संस्थान में भी आप जाएंगे तो DI बहुत खूबसूरत सजा हुआ है। और जो हम लोग जो घर में जो हम लोग दयालबाग में नहीं रहते हैं वो अपने घरों को भी खूब सजाते हैं अच्छी तरह से, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सजाते हैं उस चीज़ को, क्योंकि बसंत हम लोग का सबसे बड़ा त्यौहार है। और इस बार मतलब दयालबाग की 200वीं वर्षगांठ थी तो उसकी वजह से हम लोग और सजाते हैं हम लोग मतलब उसको और अच्छी तरह से बनाते हैं। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक शेयर सब्सक्राइब।